एक गांव में मगन नाम का आदमी उसकी पत्नी सुजाता और बेटे राहुल के साथ रहता था। मगन के पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी जहां पर वो हर साल खेती करता था। इस बार मगन ने अपने खेत में बैंगन उगाए हैं। फिर उस बैंगन को बाजार में बेचने के लिए आता था। पिछले कई दिनों से मगन का व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आते जाते लोग उसके बैंगन नहीं खरीद रहे थे। इस वजह से मगन भी बहुत परेशान था। आ गए आप? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सुजाता, कुछ दिनों से हमारे बैंगन कुछ खास बिक नहीं रहे हैं। माँ, आज फिर से तुमने बैंगन की सब्जी बना दी। रोज रोज ये बैंगन की सब्जी खाकर अब मैं थक गया हूँ। आज के लिए खा ले, कल पक्का मैं कुछ नया बना दूंगी। खाना खाने के बाद मगन सुजाता से कहता है, मैं तुम लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, हमारे बैंगन भी बिक नहीं रहे हैं। फिर अगले दिन राहुल अपनी माँ से कहता है, बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो, पर हाँ, उस बैंगन के अलावा कुछ भी बना देना। बेटा, तो थोड़ी देर के लिए रुक, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। सुजाता ने जब अपनी रसोई में आकर देखा तो बैंगन और आटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया, बैंगन और आटे को मिलाकर बैंगन के पराठे बना देती हूँ। फिर सुजाता ने बैंगन के पराठे बनाए। तीनों जैसे ही पराठा खाते हैं, राहुल अपनी माँ से कहता है, हाँ, ये तुमने किस चीज़ के पराठे बनाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए। बेटा, तू कुछ नया खाना चाहता था ना, इसलिए मैंने सब्जी के बजाय बैंगन के पराठे बना दिए। अपनी माँ को पराठे का एक ठेला बनाने का सुझाव देता है। सुजाता को भी राहुल की बात कुछ ठीक लगती है। दो तीन दिन बाद सुजाता और राहुल ने मिलकर बैंगन पराठे का एक ठेला लगा दिया। आते जाते लोगों की नज़र उस ठेले पर पड़ती थी। आज तक तो हमने आलू के पराठे, प्याज के पराठे, ये सब तो खाया था, लेकिन बैंगन के पराठे तो हम पहली बार खा रहे हैं। वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। दिन के बाद तो उसके ठेले पर कुछ और लोग भी पराठा खाने के लिए आने लगे। उन लोगों की कमाई अब बढ़ रही थी। इसी तरह अब उन लोगों का घर भी अच्छे से चलने लगा था और तीनों साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें।